हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर देम. असर्शन दिया, रीजन दिया, सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग दिस असर्शन एंड रीजन. असर्शन इज अ सिंगल जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक जीन. ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे क्रोमोजोम पे यहाँ पे एक सिंगल जीन है. जब सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट शो करे, वेन सिंगल जीन शोज मल्टीपल और या फिर कह सकते हैं मैनी, सो मैनी इफेक्ट शो करे, तो ऐसे टाइप के जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन. और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिज्म. तो अगर हम देखें तो सही दिया हुआ है. एग्जाम्पल अगर हम देख लें यहाँ पर, जैसे पी प्लांट में अगर हम देखें तो जो सिंगल जीन है, सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है एक तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन. इसके अलावा अगर हम देखें तो सीड शेप. तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो सही दिया है. रीजन क्या है, प्लियोट्रॉपी इज मोस्टली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स. ये भी सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे ये जो सिंगल जीन जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे इस प्रोटीन को, और ये प्रोटीन जो मेटाबॉलिक पाथवे जो है, मेटाबॉलिक पाथवे में ये इन्वॉल्व है. तो ये मेटाबॉलिक, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे अगर हम देखें, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ए, देन यहाँ पे बी, देन यहाँ पे सी. तो ये अगर हम देखें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है, तो इसके लिए अलग फिनोटाइप, इसके लिए अलग, एंड इसके लिए अलग फिनोटाइप. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इसी वजह से होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब सिंगल जीन यहाँ पे इफेक्ट शो करता है मेटाबॉलिक पाथवेज पे, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट फिनोटाइप्स के लिए, तो ये अगर हम देखें तो ये दोनों सही दिया है. एंड रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन दिया है असर्शन का. बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन. सही दिया है, दोनों करेक्ट है. एंड रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, गलत है. रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है. बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, गलत है. दोनों फॉल्स नहीं, दोनों ट्रू है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.